सब गाइस, दिस इज वेरियन बैनल फॉर आज का व्लॉग. थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है. और हाँ, ये मेरी साइकिल खड़ी है पीछे. तो गाइस, मुझे बहुत लोगों ने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम में कमेंट किया है कि आमिर भाई को पुलिस ने बुलाया, ट्रैफिक पुलिस ने बुलाया अच्छी चीज़ें प्रमोट करने के लिए, सेफ राइडिंग प्रमोट करने के लिए और भी बहुत कुछ. एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भाई का नाम है इसलिए उसको पुलिस वाले बुला रहे हैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कि आप सेफ राइडिंग प्रमोट करो, आप ये सब प्रमोट करो. बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है. नो बीफ टू आमिर माजिद, बट मैं एक चीज़ खुद से समझना चाहता हूँ कि क्यों मगर क्यों, why was it necessary to call him to promote safe riding, to promote no stunts? हमको कुछ नहीं पता कौन बंदा कैसा राइड करता है, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल राइड कर रहा है, कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल राइड नहीं कर रहा है. मैं नहीं कह रहा कि पुलिस वाले मुझे बुलाएं, मेरा इंटरव्यू ले, ये करे वो करे. मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि वो मुझे आके एंटरटेन करें ऐसे. बट इससे अच्छा मत बुलाओ किसी को, तो रहन दो फिर. अगर तुम आमिर माजिद को बुला के ये दिखाना चाहते हो कि ये सेफ राइडिंग कर रहा है, अच्छी चीजें प्रमोट करता है, हाँ वो सेफ राइडिंग करता है कभी कभी, हाँ वो राइडिंग गियर पहनता है कभी कभी जब वो अपनी ट्रिप्स पे जाता है, ही डेफिनेटली वेयर्स हिज राइडिंग गियर एंड ऑल. बट सिटी राइड में आई हैव नेवर सीन हिम. मैंने तो उसको पजामे में देखा है, पजामा पहन के राइड करता है. वो पैंट भी नहीं पहनता है, पजामे में राइड करता है. मेरे साथ ही राइड किया, उस टाइम भी पजामा पहना हुआ था. तो आप लोग कैसे, मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ. एंड मैं बाकी जम्मू के यूथ से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग अपना आइडल चुन रहे हो, उसको जिसको चुनना है अच्छे से सुनो, सोच के चुनो. और मतलब बहुत अमेजिंग था, मुझे बहुत हंसी भी आई वो वीडियो देखने के बाद कि भाई से पूछा इंटरव्यूअर ने कि आपको कैसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे बुलाया है, आप मोटो ब्लॉगर है, जम्मू के नंबर वन मोटो ब्लॉगर है, कोई डाउट ही नहीं है, 100% जम्मू का नंबर वन मोटो ब्लॉगर है आमिर माजिद, कि आप जम्मू के नंबर वन मोटो ब्लॉगर हैं, आप भी स्टंट करते थे और जाके वीडियो अपलोड किया. तो स्टार्टिंग का कुछ आप ले लो कि रैश हमने भी किया, बट इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो रैश नहीं करना चाहिए. अभी बदत है भाई. तो उस टाइम पे बिल्कुल चुप हो गया भाई, बिकॉज ही डजंट हैव अ आंसर टू दैट. बिकॉज इफ यू आर डूइंग सच अ थिंग एंड देन यू एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो यू ऑन दैट, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन यू आर प्रमोटिंग इट, इट इज अ कम्प्लीट डिफरेंट ऑल टुगेदर थिंग. तो मुझे उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है. एंड जो जम्मू के ब्लॉगर्स हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, उनके बारे में ही सेइंग कि मैं जानता भी नहीं हूँ कि ये ब्लॉगर्स कौन हैं, किन की बाइकें सीज हुई हैं. तो यार, मुसीबत के टाइम पे तुम अपने भाइयों को भूल रहे हो कि तुम जानते तक नहीं हो कि बंदे कौन है. अदरवाइज एवरी थर्ड डे फोर्थ डे जहाँ राइड करते हैं सब बंदों को तू मिलता है, हर बंदे को तू बोलता है. तो वो मुझे लॉजिक समझ नहीं आया. और भी बहुत बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहूँगा ऑन स्क्रीन, बट तो रहन दो फिर. बट ठीक है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है व्लॉग करने का, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का. तो वो कुछ चीज़ें मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मेरी तरफ से एक वीडियो आनी चाहिए. मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं डाली कि तुम लोग मेरे को भाई के साथ कंपेयर करो, या मेरे को मेरी राइडिंग को उसके साथ कंपेयर करो और ये सोचो कि मैं कंट्रोवर्सी या पब्लिक को गेन करने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ. नहीं, मैं जेन्युइनली ये दिखाना चाहता हूँ कि आप उन राइडर्स को फॉलो करो जो नॉर्मल डे टू डे संडे राइड हो या इवनिंग राइड हो, उसमें भी दे आर वेयरिंग प्रॉपर राइडिंग गियर्स, प्रॉपर राइडिंग जैकेट्स, प्रॉपर हेलमेट्स एंड शोकेसिंग कि ये है सेफ राइडिंग, ये है जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए. उसके अलावा यार, वो जम्मू बुलेटिन की मर्जी या ट्रैफिक पुलिस की मर्जी, वो किसको बुलाना चाहते हैं अपने इंटरव्यू में, उसके लिए मुझे कोई वो नहीं है. मैं खुश हूँ कि भाई न्यूज़ में आया, भाई ने सेफ राइडिंग के बारे में बताया. एंड लास्ट कुछ वीडियोज से मैंने भी देखा है कि वो एक्चुअली में बता रहा है कि राइडिंग जैकेट पहनो, राइडिंग गियर पहनो, इससे आपकी सेफ्टी होगी. समझ में आया क्या? जैसे कभी मीटअप किया हो या हाइप हो, बिकॉज हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो हमने एक मीटअप किया था ताकि हम अपने जम्मू को रिप्रेजेंट कर पाए. बट उसमें थोड़ा बहुत वही हो गया था, बिना हेलमेट के आ गए हैं. एंड जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, इसमें आमिर माजिद ने कहा है कि बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के मीटअप में आ गए थे, फर्स्ट मीटअप के. तो मैं कहना चाहूँगा भाई कि यह अगली वीडियो में ये भी दर्शा रहा है कि फर्स्ट मीटअप में आपने ही हेलमेट नहीं पहनी है.
अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी किया ना, अभी बता दे क्या हुआ। ये फंस गया। तो इसको बोलते हैं हिंदी में अतिशोक्ति अलंकार। तो अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। जो चीज नहीं होती है पर होने वाली होती है, या होनी नहीं चाहिए बट हो रही होती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो यार तुम खुद बोल रहे हो कि बाकी लोग मीटअप में हेलमेट नहीं आए थे, तुमने खुद ही हेलमेट नहीं पहनी थी यार। रैश करते हैं, एंड रैश करने से क्या होता है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो भी डाउन ही होता है, उस पर येलो डॉलर आता है, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी किया है भाई। लोग जो रैश राइडिंग करते हैं, स्टंट्स करते हैं मेन रोड पे, उनके लिए ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि आप रैश राइडिंग करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी मोटो व्लॉगर्स को फर्क पड़ रहा है। यस इंडीड पड़ रहा है। आपका चैनल बंद हो नहीं बंद हो, दैट इज अप टू यू, हाउ यू ट्राइंग टू मैनेज योर ओन चैनल। बट व्हाट आई वांट टू से ऑन दिस, और रादर आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस वुड बी कि अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपसे रोड पे जो नॉर्मल इंसान चल रहा है उसको खतरा है, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको खतरा है, आपके घर वाले जो पीछे वेट कर रहे हैं उनको टेंशन है कि बंदा लौटेगा नहीं लौटेगा। पर YouTube चैनल बंद होना रैश ड्राइविंग का कंसर्न, आई डोंट थिंक इट इज अ मच ऑफ अ कंसर्न, रैदर देन द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑन रोड एट दैट टाइम व्हेन डूइंग व्हेन यू आर इनटू रैश ड्राइविंग एंड स्टंट। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। वीडियो में एक पॉइंट और था जो मैं बताना भूल गया था, कि भाई ने बोला कि जब स्टार्ट किया था या जो लोग वीडियोस बनाते हैं व्लॉग करते हैं वो 5-6 हज़ार की हेलमेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यार अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम में तुम 1.5 लाख से 2 लाख की 3 लाख की बाइक अफोर्ड कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से उसका 1% विच इज 3000, सिंपल मैथ, 3000 की तुम एक हेलमेट तो अफोर्ड कर ही सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही। कम से कम तुम्हारा सिर बचे, तो इसमें तो कोई आई थिंक ऐसी दो राह नहीं होनी चाहिए कि जो बंदा 3 लाख खर्च रहा है बाइक लेने में उसके पास 5000 नहीं है हेलमेट लेने के लिए, उसके पास 4500 नहीं है रेसिंग जैकेट लेने के लिए, नहीं है नहीं पहनना चाहते, बिकॉज नहीं पहनना चाहते, मन नहीं है, पसंद नहीं है, वो अलग रीज़न होते हैं कि नहीं पहनना यार। पर ऐसा बोलना कि यार जिसने उसके पास पैसे नहीं है, तो यार जो बंदा डेढ़ दो लाख की बाइकें ले रहा है उसके पास अगर 3000 रुपये नहीं अपनी सेफ्टी के लिए खर्चने के लिए हेलमेट के लिए, तो फिर छोड़ दो यार, तो रहन दो फिर यार, बाइक बेच दो, फिर क्यों चलानी है बाइक। तो गाइस मैं एंड में यही कहना चाहूँगा सेफ राइडिंग प्रमोट करने वालों को या बाकी वालों को, स्टे हाई टिल आई डाई। बाकी यार सब समझदार है, सबको पता है कैसे राइड करना है, सबको पता है कैसे राइड नहीं करना है, पर कुछ चीज़ों को अच्छे से प्रमोट करो, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से प्रमोट करो, अच्छे राइडर्स को फॉलो करो, मुझे फॉलो मत करो, मुझे सब्सक्राइब मत करो। अगर तुम्हें ये सब देखना है कि मेरे चैनल पे तुम्हें रोड रेस दिखे, क्यूट गर्ल दिखे या वो सब दिखे, तो मुझे फॉलो मत करो। अगर तुम्हें बाइक के बारे में जानना है, अगर तुम्हें जानना है कि इसकी BHP कितनी है, इसकी पावर कैसे एनहेंस हो सकती है, कौन कौन से मॉडिफिकेशन आ सकते हैं, एक्चुअली में ट्रैक पे तुम उस बाइक को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, तब मुझे फॉलो करो। आयुष को फॉलो करो, स्पेक्टर को करो और करण को करो, और बाकी सबको जिस जिसको तुम्हें करना है तुम करो, उसके लिए हम कोई नहीं रोक सकते। आजकल सारे YouTube चैनल बिग बॉस की तरह बन गए हैं कि हर एक को ये देखना है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या मसाला मिल रहा है। तो मसाला ढूंढने के लिए हर बंदा दोपहर को बाइक लेके निकल जाता है, कहीं एक्सीडेंट होता है उसको कवर करता है, कहीं कुछ होता है उसको कवर करता है। तो वो दैट इज़ नॉट मोटो व्लॉगिंग फ्रॉम माई साइड, दैट इज़ यू राइडिंग ऑन योर बाइक एंड गेटिंग कंटेंट आउट। मोटो व्लॉगिंग एज अ टर्म, इट इज़ मोटो व्लॉगिंग विच मीन्स यू आर राइडिंग and vlogging about bike, about life journey, not about accident, cute girls and road race. That is not moto vlogging. Grow up, take care, stay tuned. Hasta la vista, babe. And no hard feelings for anyone. No hard feelings, Amir.